घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है। बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज पांडे देश की बेटी एक बार फिर आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कुछ लाइनें मैंने लिखी हुई है रेप क्राइसिस के ऊपर, वो मैं आप सभी लोगों के समक्ष बताना चाहूंगा। हाल ही में आपने देखे होंगे बढ़ते रेपों के ऊपर अपने देश में। कुछ बीते दिनों में कुछ रेप हुआ जिसे एक लड़की है, उसका नाम है साक्षी। उसी के ऊपर एक लड़की ने बहुत सुंदर सी कविता लिखी है, उसको मैं अपने शब्दों में बताना चाहूंगा। लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद, लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद तो लगेगा कल ही था लिखा, सुना था कल ही रात। दोबारा बताना चाहूंगा, लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद तो लगेगा कल ही था लिखा, सुना था कल ही रात को। कैसे भूलेगा कोई भी उस खौफनाक रात को, कैसे भूलेगा कोई भी उस खौफनाक रात को जो कर गई तबाह और बन गई इतिहास, जो कर गई तबाह और बन गई इतिहास। जो मस्त होकर घूम रही थी वो अंधेरी रात को, मस्त होकर घूम रही थी वो अंधेरी रात को, बेखबर सी बेखौफ थी थी वो हर एक बात, बेखबर सी बेखौफ थी वो हर एक बात को। पल ही भर में छोड़ गई जिंदगी उसके साथ को, पल ही भर में छोड़ गई जिंदगी उसके साथ को, और भेंट चढ़ गई वो उन पांच अवस्थियां, भेंट चढ़ गई वो उन पांच अवस्थियां को। लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद तो, लिख रही हूँ बात जो पढ़ूंगी सालों बाद तो, उठेंगी नम हो आंखें तेरी, उठेंगी नम हो आंखें मेरी, उठेंगी नम हो आंखें तेरी, उठेगी नम हो आंखें मेरी, कि जैसे हुआ ये मेरे साथ, कि जैसे हुआ ये मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं बस केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बढ़ते रेप क्राइसिस के ऊपर यदि आप और मैं, हम सभी कुछ लोग अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि देश का हर एक भारतीय अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि हो सकता है देश में रेप होना बंद हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गम में बहते हैं परियों के देश में, वो तो रहते हैं।